नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका विमला की रसोई में। मैं लाई हूँ आपके लिए राजगीरा से बनी हुई आसान सी खीर। राजगीरा को हम चोया भी कहते हैं, रामदाना भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना राजगीरा से खीर। राजगीरा खीर बनाने के लिए गैस पर रखें कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 टीस्पून देसी घी के। फ्लेम रखेंगे फुल। घी हो गया है गर्म तो इसमें डालेंगे हम 25 ग्राम राजगीरा, जिसको हम रामदाना भी कहते हैं। ये भुना हुआ राजगीरा है, ये आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो पहले इसमें राजगीरा को भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्की इसकी नमी निकालनी है। और कभी कभी ज़्यादा दिन हम राजगीरा रखे रहते हैं तो थोड़ी सी महक भी आ जाती है, वो भी निकल जाएगी और नमी भी दूर हो जाएगी। राजगीरा भुन गया है, अब फ्लेम कम करके इसमें हम 3 कप डालेंगे दूध के। तो 700 ml मैंने इसमें दूध डाला है और दूध मैंने बिना क्रीम वाला ही डाला है। आपके पास जो भी आप रखा हो दूध आप इसमें डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर और 1/4 कप डालेंगे इसमें हम शक्कर का। तो जिस कप से मैंने राजगीरा लिया था, राजगीरा वजन में थोड़ा हल्का होता है तो 25 ग्राम इसमें आया था, इसी से मैंने 1/4 कप शक्कर ली है। और शक्कर और राजगीरा को हम एक साथ उबलने देंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। ज़्यादातर हम खीर बनाते हैं तो पहले दूध को उबालते हैं तभी राजगीरा डालते हैं, लेकिन ये खीर मैं नई ट्रिक से लाई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अब फ्लेम हम कम करके इसको उबलने देंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। वैसे ये बर्तन में चिपकेगी तो नहीं, क्योंकि पहले हमने इसमें देसी घी डाल दिया है, फिर भी लेकिन इसको हम चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर लेयर जम जाती है राजगीरा की और दूध इसका बाहर निकलने लगता है, तो इसलिए हम इसको लगातार चलाते हुए और खीर बनाएंगे। तो राजगीरा की खीर भी बनकर तैयार है। आपने खीर तो बहुत खाई होगी, मखाने की खाई होगी, सेवैयाँ की खाई है, चावल की खाई है। राजगीरा की खीर बहुत ही टेस्टी, प्रोटीन से भरपूर है। इसमें फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर व्रत में हम राजगीरा की खीर खाते हैं क्योंकि इसमें फाइबर बहुत मात्रा में होता है और इसमें पेट को ये नुकसान नहीं करती और इम्यूनिटी को भी बहुत मजबूत रखती है। तो है ना राजगीरा की खीर बढ़िया सी। तो चलिए बातें करते करते राजगीरा की खीर भी हमारी गाढ़ी हो गई। अब गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम ढक कर रखेंगे ताकि हल्की सी ये ठंडी हो जाए। ये हल्की ठंडी होती है तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो 5 मिनट हो गए हैं, चलिए ढक्कन निकाल के देख लेते हैं। खीर हमारी बिल्कुल तैयार है और थोड़ी बहुत जो थिक होनी थी वो भी हो गई। अब इसमें 1/4 कप मैंने मिलाया डेसिकेटेड नारियल, साथ में मिलाएंगे थोड़े से पिस्ता। अगर आप इसके अलावा और ड्राई फ्रूट्स मिलाना चाहते हैं तो आप इसमें डाल लें। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी लाजवाब राजगीरा चोया की या रामदाना कहें खीर तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो इस नवरात्रि के व्रत में आप फलाहारी राजगीरा की खीर खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। राजगीरा से संबंधित आपके पास कोई और रेसिपी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें और रेसिपी शेयर करें। तो लीजिए खीर भी हमने सर्व कर ली। अब इसको गार्निश करेंगे हम बादाम से और किशमिश से। तो लीजिए प्रोटीन से भरपूर फाइबर युक्त रामदाना खीर बनाकर खाइए और घर में सबको खिलाइए। तो खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और आप नई से नई रेसिपी का लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।